नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब से योगी सरकार राज्य में आई है तब से यूपी पुलिस एक्शन में है। आए दिन यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है और जो माफिया हैं उनके घरों पर तो लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। आलम यह है कि अब यूपी में बदमाश और माफिया इतने खौफ में हैं कि वो थाने जाकर खुद सरेंडर कर रहे हैं। योगी सरकार और योगी के पुलिस की बात हर राज्य में होती है। अब यूपी पुलिस ने एक और ऐसा काम कर दिया है जिसकी बात हर जगह हो रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मशहूर एक चर्चित जूता मार होली के जश्न के लिए तैयारियां जोरों पर है। यहाँ जिला प्रशासन ने इलाके की करीब 40 मस्जिदों को प्लास्टिक की शीट से ढक दिया है, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जूता मार होली के जश्न के लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। इस जुलूस के रास्ते पड़ने वाली मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहजहांपुर के जिला प्रशासन के मुताबिक जुलूस के रास्ते पड़ने वाली तमाम मस्जिदों को प्लास्टिक की शीट से ढक दिया गया है ताकि होली के दिन यहाँ कोई घटना न हो सके। शाहजहांपुर के एसपी संजय कुमार का कहना है कि जिन मस्जिदों को नहीं ढका गया है उनको 28 मार्च से पहले ढक दिया जाएगा। एसपी संजय कुमार के मुताबिक जुलूस के रूट में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें, जिले के लोग बताते हैं कि साल 1857 तक हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर यहाँ बड़ी धूमधाम से होली मनाते थे। नवाब साहब को हाथी या घोड़ों पर बैठा कर घुमाया जाता था, लेकिन हिंदू मुस्लिम का प्यार और भाईचारा अंग्रेजों को रास नहीं आया। इसके बाद 1947 में नवाब साहब के जुलूस का नाम बदलकर प्रशासन ने लाट साहब कर दिया और तब से लाट साहब के नाम से जाने जाने लगा। इसी दौरान अंग्रेज यहां से चले गए और फिर अंग्रेजों के प्रति लोगों में जो आक्रोश था उससे से ही नवाब के जुलूस का रूप बदल गया। लाट साहब का ये जुलूस फूलमती देवी मंदिर से निकलता है और यहाँ वह लाट साहब मंदिर पर लोग मत्था टेकते हैं तथा पूजा अर्चना भी करते हैं। इसके बाद कोताली में सलामी देते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर में पहुँचते हैं और फिर ये जुलूस चौक से लौटकर खत्म हो जाता है। यूपी पुलिस ने इसलिए भी ये काम किया है कि जो कट्टरपंथी हैं, जो जुलूस की आड़ में दंगा करने की फिराक में रहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है यूपी पुलिस ने। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।